वीडियो पैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास आया सोनी का MSC 44D, जो कि डेड कंडीशन में, फुली डेड कंडीशन में। इसका अभी हालत देख सकते हैं, ये इसका माइक्रो स्विच है, इस पर कुछ भी प्रेस कर रहे हो कुछ भी तो भी ऑन नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर दिखा दे रहा हूँ, MSC V44D है, फुल डेड कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना मदरबोर्ड जंग खाया हुआ है। एंड यहाँ पे जितने भी कीपैड है पूरे जंग खाए हुए। तो सबसे पहले इसका हम लोग कीपैड, जितने भी ये बटन माइक्रो स्विच नया डालेंगे उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है इसका माइक्रो स्विच आपस में शॉर्ट रहेगा तो आप उन बटन कुछ भी दबाते रहेंगे तो ऑन नहीं होता, ये इसका डिस्प्ले आता ही नहीं। तो सबसे पहले इसका माइक्रो स्विच चेंज करना है, उसके बाद इसको चेक करना है। सो गाइस देख सकते हैं इसका माइक्रो स्विच डालने के बाद बिल्कुल ये ओके हो गया। एंड ब्लूटूथ वगैरह प्रॉपर कनेक्ट कर रहा है, अभी इसका बटन वगैरह जो भी दबाएंगे एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। देख सकते अभी ब्लूटूथ का बटन दबाया, वापस पेयरिंग में चला गया। एंड ये साउंड का बटन दबा रहा हूँ, सब कुछ एकदम अभी प्रॉपर काम कर रहा है। एंड डिस्प्ले वगैरह सब कुछ इसका आ चुका है, एंड साउंड भी एकदम फर्स्ट क्लास बज रहा है। ऐसा छोटे मोटे प्रॉब्लम रहता है ये सब में, माइक्रो स्विच का ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं पूरे के पूरे माइक्रो स्विच नया डाल ले, और इसमें पूरा एक पूरा ही नया डालना पड़ता है, एक दो डालेंगे तो वापस वो प्रॉब्लम देता है। इसका मदरबोर्ड वगैरह कुछ भी फॉल्ट नहीं रहता है, ज़्यादातर इसमें माइक्रो स्विच का ही रहता है। डिस्प्ले नहीं आना है, एंड प्रोटेक्ट 3 में जाना, प्रोटेक्ट 3 में कभी कभी इधर एम्पली बोर्ड है, यहाँ से एम्पली बोर्ड का IC ख़राब होता है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड देख सकते हैं हमारे पास अभी 42D भी आया है रिपेयरिंग को, एंड यहाँ पे 72D है रिपेयरिंग के लिए आया है। एंड ये 73D इसका काम अभी चालू है, और इसका कुछ भी पार्ट रहेगा तो हम ऑल ऑफ इंडिया भेजते हैं। कुछ भी मदरबोर्ड पावर सप्लाई एंड इसका एम्पली बोर्ड का प्रॉब्लम रहे, सोनी का कौन सा भी टावर स्पीकर का प्रॉब्लम रहे, सब भेजते हैं। अभी हमने रिसेंट में चंडीगढ़ एंड UP में भी इसका एम्पली बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा था, प्रोडक्ट 3 के लिए 2 मदरबोर्ड भेजा एंड एम्पली बोर्ड भेजा, दोनों भी एकदम क्लियर हो गया, सर का वापस कॉल नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ।